भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक 10 दिन बाद हिमाचल में सरकार का फैसला हो जाएगा। तूफान आने से पहले की खामोशी में डूबे राजनीतिक दल या तो जश्न में होंगे या फिर मातम में। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े के पार पहुंचना राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी मजबूरी है, और ये आंकड़े किन कड़ियों से जुड़े हैं इन पर नजर डाले तो सबसे अहम आरक्षित सीटें हैं, जिन्हें साधे बगैर सत्ता पर काबिज होना मुमकिन नहीं। प्रदेश में 20 आरक्षित सीटें हैं। प्रदेश में 3 जनजातीय सीटें आरक्षित हैं, तो 17 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 68 विधायकों वाले सदन में इन 20 सीटों में से जो भी पार्टी अब तक 12 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती है, उसे ही हिमाचल में सरकार बनाने का अवसर मिला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस के हिस्से में महज 5 सीटें ही आई थी। इनमें से जनजातीय क्षेत्र की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा, जबकि किन्नौर की एकमात्र सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस की 4 और भाजपा की 13 सीटें थी। 2012 के चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 17 में से 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि महज भाजपा ने 6 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में आई थी, यानी 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 20 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों की बदौलत कांग्रेस सत्ता के लिए निर्धारित आंकड़ों तक पहुंच पाई थी। कांग्रेस ने 2012 के चुनाव में 36 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 26 सीटों पर सिमट गई थी। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी आंकड़ों में ये सीटें काफी अहमियत रखती हैं। फिलहाल मतदान हो चुका है और अब इंतजार 8 दिसंबर को परिणाम आने का है। लेकिन इन परिणाम में जो भी राजनीतिक दल आरक्षित 20 सीटों पर ज्यादा सीटें जीत पाएगा, उसे ही इस बार हिमाचल में सरकार बनाने का अवसर मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।